हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं पोम्पे। अगस्त 24, 70 AD में माउंट वेसुवियस वोल्केनो इरप्ट हुआ था और उसी में पूरा शहर लावा से दब गया था। तकरीबन 1700 सालों के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इस शहर को डिस्कवर किया है। और वोल्केनिक एश से दबे हुए इस शहर को आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही केयरफुली एक्सकवेट किया है। और आपको मालूम है, पोम्पे सिटी जीसस बोर्न होने के 700 इयर्स पहले बनाया गया था। ऐसा पुराने जमाने में लोग यूज करते हुआ मिट्टी का खड़ा है। अब हम लोग जा रहे एक सेलर का घर देखने के लिए। वो ये है, ये सेलर का घर। उस समय शहर में ये सबसे बड़ा घर हुआ करता था। इस घर में कई सारे बड़े कमरे थे। माउंट वेसुवियस वोल्केनो माउंटेन, ये वोल्केनो अभी इसमें एक्टिव नहीं है। आप ये देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छोटा छोटा व्हाइट स्टोन। ये उस समय में नाइट को मूनलाइट इस पे गिरता तो उसमें रिफ्लेक्ट होकर स्ट्रीट लाइट का काम करता था रात में ये। Begging for it.
एक्सकवेशन के टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट को इधर वोल्केनिक ऐश में दबे ह्यूमन बॉडीज मिले थे। उन्होंने उसमें प्लास्टर डालकर उन बॉडीज को एक्सैक्टली उसी तरीके से रखा है जैसे वो उनको मिले थे। मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ अभी, आप लोग देख सकते हैं। ये एक छोटे बच्चे का है, फिर एक आदमी है वो दीवार के साइड में बैठा हुआ था। ऐसे बहुत सारा इधर ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये दीवार में आप लोग देख सकते हैं वो ये उस समय में लोग पेंटिंग किया हुआ था, और ये एक फिश मार्केट था। ये मिडिल में फिश मार्केट हुआ करता, और राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं ये एक मीट मार्केट था। ये आप देख सकते हैं हम एक्सकवेशन के दौरान दो कॉफिन मिले थे, स्केल्टन अभी भी आप लोग देख सकते हैं उधर, स्केल्टन अभी भी आप लोग देख सकते हैं उधर। 1700 साल से भी पुराने है, सोचो कितनी आश्चर्य की बात है। ये आप लोग देख सकते हैं रियल एशेस है उसके अंदर। One step. Yeah, just one step. Done. Just lock it, then done. Then just run them. टू बेड हाउस मिस्टर है ये एक अक्वाडक्ट है, इसी में पानी को कलर किया जाता था, और पब्लिक फाउंटेन के लिए, बाथ हाउस के लिए, और कुछ अमीर लोगों के घर के लिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था पानी। अभी हम लोग आ गया खाना खाने के लिए। सब लोग को इतना भूख लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया है, और उसके अंदर गया तो इतना इंटरेस्टिंग था, बाकी सब कुछ भूल गया है। और मैं इतना सरप्राइज थी, उस जमाने में भी लोग कितना इंटेलेक्चुअल था, कितना अच्छा उन लोगों ने उस समय भी सब कुछ इतना सोच सोच कर बनाया हुआ है। और अभी हम लोग खाना खाएंगे, और हमारा टैक्सी अभी 1 घंटे के अंदर आएंगे क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं अमल्फी कोस्ट जा रहे हैं।
मैं सुना है बहुत ही सुंदर प्लेस है। अभी मैं मेरा सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया मैं ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे, मैं करूँगी, मैं दूँगी। उसका दो रीज़न है मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। एक है मैंने ये ट्रैवल ब्लॉग, मैं ये सब जगह गया तो मुझे इतना पसंद आ गया और मुझे लगा आप लोग भी ये देखो, बहुत ही सुंदर है, शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा। का दूसरा रीज़न, जब मैं ब्लॉग डाल दूँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे भी बहुत इच्छा हो रहा है ब्लॉग कर लो, आप लोग उसके साथ बातें कर लो, बहुत इच्छा हो रहा है, लेकिन मैं अभी ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी। एक हफ्ता और उसके बाद मैं ब्लॉग करूँगी। मैं रीज़न भी तब उसी समय बोल दूँगी मैं क्यों ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरे ट्रैवल ब्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को पसंद आ गया तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भूलना नहीं, कमेंट तो अच्छा अच्छा कमेंट करना भूलना नहीं। बाय, लव यू ऑल।